हल्का नहीं है। JBL पार्टी बॉक्स 710 28 किलो का स्पीकर है। बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, पावरफुल बेस बूस्ट है। क्या है ये? मतलब कि 28 किलो का हैवी स्पीकर, एक बॉक्स जिसके अंदर पावर केबल, यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड खाली, और एक चूरन की पुड़िया जो कि खानी है नहीं। वैसे पार्टी बॉक्स 710 का काफी इंतजार किया है और काफी सारी अच्छी चीजों के साथ ड्रॉबैक्स भी है। सीरियसली? यस। तो इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी परचेज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिल्ड मटेरियल रियली सॉलिड, मतलब कि इतना कि अगर बंदे के ऊपर फेंक दिया तो खत्म, बाय बाय टाटा। ऑन सीरियस नोट, अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी, वैसे पैसे भी अमेजिंग है, 65,000 रुपीज। बट दिस कम्स विद 800 वोट RMS आउटपुट, 800 वोट RMS, वो भी JBL ओरिजिनल प्रो साउंड के साथ। और 800 वोट RMS एक्चुअल में इतना होता है कि अगर आप 14x14 के रूम के अंदर इसको फुल वॉल्यूम पे चला दोगे, मतलब छाती पे इम्पैक्ट आता है, दिल का दर्द। अगेन बैक टू द पॉइंट, टॉप नोच प्लास्टिक के साथ इसकी कवरिंग की गई है। कवरिंग? यस। अगर इसके बेस रिफ्लेक्स पोर्ट के अंदर से देखो तो आपको MDF दिखाई देगा, मतलब कि जो इसका एनक्लोजर है वो MDF मेड है। जस्ट ऊपर से फैंसी लुक देने के लिए इसको कवरिंग दी गई है। और बेस रिफ्लेक्स पोर्ट से एक चीज और दिखती है, सॉफ्ट कुशन की पैडिंग, जो कि बेस को और ज्यादा एनहेंस करती है। इवन जो ऑरेंज कलर के टच के साथ यहाँ पे रबर ग्रिप पैड्स मिल रहे हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी भी टॉप नोच है। और यहाँ पे ग्रिप हैंडल पर ट्रॉली व्हील्स के पास भी ऑरेंज टचअप दिया गया है। हाँ। वैसे तो कंप्लीट बिल्ड मैट फिनिश के साथ आता है, लेकिन कुछ ग्लोसी टचअप भी दिए गए हैं, जैसे कि फ्रंट पे ये नैरो आउटलाइन, प्ले सिग्नेचर एंड इवन ऑन ट्रॉली व्हील्स, जो कि लुक को बहुत ज्यादा एनहेंस करते हैं। फ्रंट पे आपको ये मैसिव एल्यूमिनियम ग्रिल मिलती है, जिसपे सेंटर में JBL की ब्रांडिंग, रियर साइड पे मैसिव बेस रिफ्लेक्स पोर्ट, इसके जस्ट ऊपर एक कंसोल जिसमें दो माइक या फिर एक माइक एक गिटार इनपुट आप दे सकते हो, और उसको कंट्रोल करने की नॉब प्लस गेन नॉब भी दी है, USB पोर्ट, ऑक्स इन पोर्ट, TWS बटन। यस, इन दो स्पीकर को आप एक साथ पेयर कर सकते हो। दैट मींस आप दो TWS स्पीकर, जो कि 10 सीरीज के होंगे, चाहे वो 110 हो, 310 हो या 710 हो, एक साथ पेयर करके लाउडनेस और बढ़ा सकते हो। और नीचे डेजी चेन 3.5mm पोर्ट्स भी हैं। अगर कोई बिल्कुल ही अलग स्पीकर है तो ऑक्स के साथ आप दूसरे स्पीकर को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लास्टिक एंड रबर का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये आता है IPX4 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग के साथ, मतलब कि पूल पार्टी। इसके टॉप साइड पे भी एक कंसोल मिलता है, जहां पे एक वॉल्यूम डायल, प्ले पॉज, नेक्स्ट प्रीवियस, सब कुछ एक ही की के अंदर, बस टाइम का खेल है। लाइट शो ऑन ऑफ की, प्लस आप यहां से इफेक्ट भी खुद से चेंज कर सकते हो। मजा आया। उसके बाद ऑन ऑफ एंड ब्लूटूथ पेयरिंग की और बेस बूस्ट का ऑप्शन, जो कि इसकी मेन USP है, क्योंकि इसमें आपको दो मोड मिलते हैं, डीप एंड पंची बेस। तो इस बार JBL ने कोई बेस बूस्ट लेवल 1-2 का सीन नहीं रखा, सीधा डीप एंड पंची। और यहाँ पे 3 DJ साउंड की मिलती है, जिसको अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो पार्टी बॉक्स ऐप के साथ। भाई ये बहुत भयंकर है। एंड एट लास्ट कैरियोके कंसोल, मतलब 3 नॉब दी है बेस, ट्रेबल एंड इको कंट्रोल करने के लिए। इस स्पीकर की ओवरऑल हाइट 3 फीट। और यहीं पे सबसे पहला ड्रॉबैक आता है कि इसमें आपको टेलीस्कोपिक हैंडल नहीं मिलता पार्टी बॉक्स 310 की तरह। तो जो मेरे जैसे लंबे लंबे लोग हैं, 6'2" या 6 फुट के, उनको थोड़ा कैरी करने में दिक्कत आएगी। पर कैरी करना ही क्यों है, JBL इसको पोर्टेबल स्पीकर बोलता है, मैं नहीं, क्योंकि 28 किलो का स्पीकर इतना हैवी कैरी करने में भी अंतड़िया बाहर आ जाएंगी यार। एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग कि इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी नहीं है, मतलब अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो हर वक्त इसको पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, AC पावर, DC का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन इसकी सेंस बनती है क्योंकि 800 वोल्ट RMS आउटपुट के लिए अगर इसमें बैटरी लगाया जाता तो इसका वेट 60-70 किलो हो जाता, और मेरे जैसा हल्का बंदा तो इसको डेस्क पे भी ना रख पाता। अब देखो जिस चीज के लिए बनाया है उसकी बात करते हैं। इसमें आपको 2 8 इंच के सबवूफर मिलते हैं विद 2.75 इंच के ट्विटर्स, विच गिव्स टोटल RMS आउटपुट ऑफ 800 वोट। एंड 800 वोट पे मैं इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट करके देख लिया, ये लिटरली जान ले लेगा फुल वॉल्यूम पे अगर इंडोर में प्ले किया, और आउटडोर की पार्टी में तो मजा आ जाता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एंड यहाँ पे एक चीज और, जो लोग थोड़े दिल के कमजोर हैं या उनको हल्का भी हार्ट का इशू है, उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि बेस के मामले में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा देता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो बेस है वो ओवर पावर करती है, स्पेशली इंडोर में। तो दोनों 8 इंच के सबवूफर के ऊपर सेम वही लाइटिंग इफेक्ट दिया गया है जो पार्टी बॉक्स 310 में आता था, लेकिन इस बार कुछ एडिशनल चीजें हैं, जैसे कि ये दो स्ट्रिप्स, टॉप एंड बॉटम पे कुछ फ्लैशिंग लाइट्स, और ये अपना स्टार है तो इसमें थोड़ा स्टार लाइट इफेक्ट भी दिया है, फ्लैशिंग वाला। लेकिन अगर आप इसको भी कस्टमाइज करना चाहते हो तो पार्टी बॉक्स ऐप के साथ वो भी कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको सिर्फ ये चाहिए कि सबवूफर के ऊपर वाली ही लाइटें चले, या फिर सिर्फ ये स्ट्रिप लाइट चले, या आप चाहते हो कि सिर्फ 3 तरीके की लाइटें चले बाकी 2 बंद कर दो, तो वो सारा कस्टमाइजेशन
पार्टी बॉक्स ऐप के अंदर है, और पार्टी बॉक्स ऐप इस स्पीकर की जान है, मतलब उसके बिना इसका पोटेंशियल हाफ ही रह जाता है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप इसको यूज करना शुरू करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बेस बूस्ट आपकी डीप पे है या पंची पे है, तो वो तो ऐप ही बताएगा ना। एंड पर्सनली मुझे डीप बेस ज्यादा पसंद आई। एंड यहाँ पे जो लाइट शो है वो भी पार्टी बॉक्स ऐप के साथ कंट्रोल कर सकते हो। इवन कलर पिकर की भी फैसिलिटी है कि अपने को एक ही कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रेड, तो अब यही चलेगा। डीजे साउंड लाइक डीजे एंड कैरियो के इफेक्ट लाइक यहाँ पे बेस, ट्रेबल एंड इको, जो कि ऊपर आपको कंसोल पे भी मिलता है, वही सेम चीज आपको ऐप के अंदर मिलती है। एंड वायरलेस TWS को कनेक्ट करने का प्रोविजन भी ऐप के अंदर है, तो और क्या ही चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ब्लूटूथ 5.1 के साथ आता है। 1100 VA का इन्वर्टर है मेरे पास और 60% वॉल्यूम पे ही इसने ओवरलोड कट लगा दिया। अब समझ आ गया कि इनबिल्ट बैटरी क्यों नहीं थी, क्योंकि 800 वोल्ट आ रहे हैं इसके लिए, तो ट्रक वाली बैटरी चाहिए। तो कुछ सैंपल्स प्ले करते हैं और फिर साउंड प्रोफाइल बताता हूँ इसकी। देखो बीच में एक बार इंटरप्ट करूंगा, इसका लाइट शो तो ठीक है, बट इन्वर्टर पे सारा का सारे जो स्टूडियो की लाइट है वो भी लाइट शो का काम कर रही है। एक बार फिर बंद। अब नेक्स्ट कुछ सैंपल्स मैंने फुल वॉल्यूम एंड डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे लिए हैं। ये जानलेवा है। देखो एक चीज है कि 100% वॉल्यूम पे भी वोकल्स, बेस, ट्रेबल, हर चीज प्रॉपर। जरूरी ले ले मुझसे लिख कर, जो यही दिख रहे में क्या उखाड़ा दिख कर, मेरी भी हुई जैसी भी लग। Extraordinary. 710 का frequency response is 29 Hz से लेके 20 kHz तक, and testing में ये 14.1 kHz तक capture कर लेता है। And these results are pretty impressive. अगर आप videos, movies या music इस पे enjoy करते हो, तो almost सारी की सारी details इस speaker की output में आपको मिलती है। But the disappointing thing is कि इसमें कोई equalizer आपको नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ bass के option है, वो भी deep and punchy या फिर off. Deep bass के preset पे जो bass है वो थोड़ी extended लगती है, वही जो punchy bass है वो थोड़ा मुक्का टाइप, मतलब कि हिट करती हुई महसूस देती है। एंड प्राइसिंग के बारे में मैं ये कहूंगा कि JBL ने पता नहीं कौन से नशे कर रखे हैं कि प्राइस बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। हाँ ठीक है, बहुत दमदार चीज है, पर 65,000 बहुत ज्यादा है, मेरी समझ से बाहर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। तो देखो जो इसका साउंड प्रोफाइल है वो है बूमी। अब ये क्या भला है, इसको सिंपली ऐसे समझा जा सकता है कि जो बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी होती है यानी कि लो बेस, उसको भी ये पिक करके डिलीवर करता है, मतलब म्यूजिक में से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड लो बेस आपको डिलीवर करता है। JBL क्लेम करता है कि पार्टी बॉक्स 710 एक्सटेंडेड लो फ्रीक्वेंसी अप टू 29 हर्ट्ज तक जा सकता है, लेकिन एक टेस्टिंग एजेंसी ने क्लेम किया है कि उनकी टेस्टिंग में ये 26.9 हर्ट्ज तक चला गया था, मतलब कि 26.9 इतनी लोअर फ्रीक्वेंसी है कि दिल का कमजोर आदमी तो रहेगा ही नहीं इसके सामने। और इसको अगर थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए तो ये थंपिंग एंड रंबलिंग बेस डिलीवर करता है, मतलब कि हैवी बेस लवर्स पे फोकस किया गया है, जो लोग ज्यादा बेस चाहते हैं वो ये बहुत इजीली डिलीवर करता है। और जब मैंने इस पे हिप हॉप या EDM प्ले किया तो इसने आग लगा दी। तो इसको एक लाउडर स्पीकर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एंड ये सही में एक ऐसा डिवाइस है जो आपको इनक्रेडिबल साउंड आउटपुट देता है। एंड वन मोर थिंग, JBL ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि 100% वॉल्यूम पे जाने पर भी डिस्टोर्शन नॉट एट ऑल, मतलब जीरो। बट मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप इसको इंडोर में सुनते हो और हैवी बेस के हैबिचुअल नहीं हो तो स्टार्टिंग में 100% या 80% पे मत प्ले करना, दर्द होता है, सच में होता है। और अगर आउटडोर में प्ले करोगे तो पड़ोसी भी तंग, ये गारंटी है, क्योंकि इसकी बेस ऐसे निकल जाती है ऐसे। और ब्लूटूथ के बारे में एक और चीज, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ आता है, मतलब एक ही स्पीकर को आप दो मोबाइल के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तेरा गाना या मेरा गाना, ये सही है। तो अगर कंक्लूजन पे आए तो बहुत हैवी चीज है, वेट में भी और साउंड में भी, मतलब कि अनमैच्ड परफॉर्मेंस। बट हाँ, JBL इसको पोर्टेबल बोलता है, पोर्टेबल कहीं से कहीं नहीं है। एक बार आपने कहीं ये टिका दिया,
फिर नहीं उठा सकते आप इसको, पूरा वीडियो इसी पोजीशन में बनाए इसका, तो खुद समझ जाओ कि कितना भारी है ये। और ऊपर से टेलीस्कोपिक हैंडल नहीं दिया, तो मेरे जैसों के लिए तो कैरी करना ये महाभारत है क्योंकि हाइट ही ज्यादा है। लेकिन हाँ, इसके साथ पार्टी इज रियली फन, मतलब डीजे की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत धासु चीज है। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग JBL पार्टी बॉक्स 710 एंड ये मुझे लिटरली काफी पसंद आया। बस पोर्टेबल मत कहना इसको, छाती पे फेंक के मार दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। अभी भी मन में डाउट है, कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम से काम नहीं चल रहा है, तो 1-on-1 कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मैं आपको कॉल या वीडियो कॉल करूंगा एज पर योर क्वेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खत्म, टाटा बाय बाय।